गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है संडे और 22 जनवरी। तो आज तो मैंने होना था मूव, लेकिन मैं नहीं हो रहा, जैसे आपको मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में। और अब बज गए हैं सुबह के 4, जो कि मैं जा रहा हूँ जिम नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ वॉक करने, थोड़ी सी रनिंग करने, क्योंकि आज है संडे, जिम होता है बंद। लेकिन अपने को तो एक्टिव रहना है ना, क्योंकि हमने जो खाया है उसको भी तो हमें बर्न करना है और अपने आप को एक्टिव रखना है। मतलब बॉडी को भी ज़रूरत होती है रेस्ट करने की। मैं वैसे कोई हार्ड एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा, नॉर्मल वॉक करूँगा और थोड़ी सी रनिंग करूँगा, स्ट्रेचिंग करूँगा, मुझे भी बॉडी को आराम देना है। बट इतना तो नॉर्मल चलता है वॉक वगैरह, अपने आपको एक्टिव रखना ही पड़ेगा। एक तो लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी। तो बस ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ, थोड़ी सी रनिंग कर लेता हूँ और बस इतना सा अपडेट है। और मैं आज जाऊँगा वहाँ पे घर देखने के लिए, कितना बना है क्या बना है। फिर अगर मुझे लगेगा तो मैं 26 जनवरी को, जिस दिन वो है अपना रिपब्लिक डे, उस दिन मैं वहाँ पे मूव हो जाऊँगा। वो तो मुझे बोल रहे थे कि संडे को ही मूव हो जाओ आज के दिन। मैंने कहा चलो नहीं, थोड़ा जो उनको एक आध दिन और लेना है कर लें, क्योंकि मुझको खटपट खिटपट में ना मूव होना वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ऐसे नहीं है कि आप जब अपने घर पे भी काम करवा रहे होते तब भी आप रह ही रहे होते, ऐसा नहीं होता कि भाई आप मतलब रेंट पर घर पे जा रहे हो इसलिए ऐसे नहीं। अपना घर होता तब भी ये सब चीज़ें काम तो चलता रहता है, बट प्रॉब्लम तो तब भी होती है। एक मिनट इनको निकल जाने दीजिए, शोर आ रहा है। देखो प्रॉब्लम तो तब भी होती है कि काम चल रहा है, आपको ऑफिस जाना ये वो। तो मैं सोच रहा हूँ अभी अगर है अभी टाइम तो मतलब 2-4 दिन में वेट कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ। और बस ये छोटा सा मुझे थोड़ा सा अपडेट आपको देना था। तो चलो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं अपनी रनिंग करता हूँ और बीच में लगा तो ज़रूर शूट करूँगा। बाकी मैं वहाँ पर जाऊँगा। आज आंटी ने कहा था ठीक है आ जा, ऐसे बोर हो जाएगा और काफ़ी टाइम हो गया है हम मिले भी नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं, थोड़ा घूम भी आएंगे, बोर तो मैं हो गया था, मेरा मिलने का भी मन था। तो वैसे तो शिफ्ट होना ही है वहाँ पे। चलो ठीक है बाय। तो मैं आ चुका हूँ अपनी थोड़ी सी रनिंग करके, वॉक करके। और जैसे आप पीछे देख रहे हैं पूल एक्सरसाइज के लिए इक्विपमेंट्स लगे पड़े हैं, मशीन्स हैं वहाँ पे, तो मैं वो थोड़ी सी कर लेता हूँ और आपको भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। और आपको भी दिखाता हूँ कितना अच्छा से रीज आ रही है ना वहाँ से लाइट की। और ऐसे वो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ऐसे। और आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, वहाँ से धुंध सी आ रही है, मतलब अच्छा सा लग रहा है। और ये रहे आपको एक्सरसाइज करने के लिए मशीन्स वगैरह आप कर सकते हैं। तो देखो हर चीज़ के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं। तो जो एक्सरसाइज नहीं मतलब करते हैं, जो मतलब जैसे मैं भी पहले जिम वगैरह नहीं करता था, तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती थी करने के लिए। अब आज मेरे लिए मतलब ये है कि जैसे मैं संडे है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब जिम वगैरह जिम बंद होते हैं, तो ये मेरे लिए एडवांटेज है। ठीक है, अगर मैं उसको जिम से कंपेयर करूँ तो मैं जिम से उसको कंपेयर मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं पहले जिम वगैरह नहीं करता तो इसलिए तब मैं उसको इस चीज़ से कंपेयर मैं कर सकता था कि हाँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं कुछ करता नहीं था एक्सरसाइज वगैरह। तो ऑल थैंक्स टू संदीप, जैसा वो हमेशा मैं कहता हूँ, तो उसकी वजह से ही आज जो लोग मुझे प्रेज करते हैं संदीप की वजह से ही है। तो चलो थोड़ा सा हम कर लेते हैं एक्सरसाइज वगैरह, कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो कर रहे हैं ना, एटलीस्ट एक्टिव तो हूँ मैं। तो अब मैं कर लेता हूँ अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको बताया। और पीछे तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे जो रीज आ रही है यहाँ पे। चलो ठीक है अब मैं करता हूँ। किरणों किरणों पांव धरती आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह, बेपरवाह नई सुबह, एक नई सुबह। सुबह बेहतर तो दिन बेहतर, लो जिंदगी गुनगुनाने आई, हंसने और हंसाने आई। तो मॉर्निंग में आके इतना अच्छा लगता है, एकदम से फ्रेश फ्रेश और एकदम चेहरा भी एकदम साफ लगता है, ऐसा लगता है आपके जैसा तो कोई गोरा है ही नहीं। तो यही है बस अपडेट। और मैंने अपना कर लिया थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह, बस मशीन वगैरह मैंने यूज कर ली है। तो अब बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा घूम रहा हूँ। अभी कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, मतलब 4 बजे मैं निकला था,
पंखे भी बज रहे हैं, अच्छा लग रहा है ऐसे ठंडा ठंडा। मुझे ऐसा वेदर ना अच्छा लगता है, मतलब गर्मी नहीं होनी चाहिए अब, लेकिन गर्मियाँ तो आनी है जैसे आपको मैंने बताया है। सुख दुख गर्मी मौसम हर सीजन का मजा लेना चाहिए, तब आपकी वैल्यू का पता चलता है कि आप कितने कैपेबल हो क्या हो। ठीक है, तो अब इसलिए अब क्या ही ज़्यादा दिखाओ। बाकी अभी मैं वहाँ जाऊँगा अपने फ्रेंड के घर, तो खैर वो तो भी ये कनाडा आ गया, कनाडा जाएगा वो तो कनाडा बैठा है, तो हम जाएंगे उनके घर और अपना वहाँ पे देख के आऊँगा मेरा कितना वहाँ पे सेटअप हो चुका है क्या है। आज मैं मूव हो सकता था कि नहीं, वो तो मुझे बोल रहे थे कि मूव हो जाओ, बट मुझे नहीं हो रहा था। मैं सोच रहा था दो चार दिन और जो उनको लेने हैं वो ले लें, मैं आराम से मूव हो जाऊँगा। तो ठीक है, अब मैं अपना फाइनल इन्जॉय करता हूँ और अपनी एक नई सुबह का मजा लेता हूँ। एक नई सुबह, एक जरा नई सुबह, ये गाना बड़ा अच्छा है, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। ये तो आप सर्च कर लेना कौन सा है, उसके आगे क्या लिरिक्स हैं। एक्चुअली मेरी तो आवाज़ भी अच्छी रही, गाता हुआ भी अजीब लगूंगा। हाँ ऐसा कुछ था, एक नई सुबह, वक्त बदलने वाला है, आने वाला है, किरणों किरणों पांव धरती आसमां में निकली, देखो एक नई सुबह, एक जरा नई सुबह। काफी अच्छा गाना, खैर मेरी तो वॉइस ही खराब है, कोई बात नहीं, ये सिंगिंग भी सीख लेंगे, सब चीजें कर लेंगे। चलो ठीक है, बाय। तो आप लोगों ने देखा जैसे अभी वो कर रहे थे योगा वगैरह, आसन वगैरह कर रहे थे, वाह अच्छा लग रहा था, कितना अच्छा ठंडा ठंडा मौसम, ऊपर से ऐसा एनवायरनमेंट हो, कितना अच्छा लगता है। तो हमें हमेशा मतलब एकदम फ्रेश एक्टिव रहना चाहिए और ऐसे मतलब मौसम में तो ज़रूर हमें बाहर निकलना चाहिए। तो बस कुछ मुझे थोड़ा सा था कैप्चर कर लूँ और मैंने वो किया, और जिस तरह से वो बोल रहे थे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे सुबह सुबह उठ के और ऐसा एनवायरनमेंट हो, है ना, कितना अच्छा, और पीछे ऐसे बांसुरी की धुन हो, वाह 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 वाह। चलो आज चलते हैं, अब काफी देर हो गई, मैं अभी तक यहीं पे घूम रहा हूँ, तो मैं वो देख रहा था अभी कर रहे थे। तो योगा वगैरह मैं करता हूँ, थोड़ा सा करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, बट अब वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता ऑफिस में जाना होता है, सब बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फालतू के लेक्चर देते देते। चलो अब मैं चलता हूँ। मुझे ना एक चीज़ और बतानी थी, अब जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैं 6:30 बजे तक, अब मैं तो मुझे ऑफिस जाना है, तो मुझे फटाफट एकदम से रश में रहना था, अब ये है ठीक है, अभी मतलब इतना ज़्यादा वो भी नहीं लग रहा, नींद वगैरह भी नहीं आ रही, जब ऑफिस जाना होता है तब हमें होता है अरे भैया और नींद आ रही है वो, तो ये सब हमारे माइंड का खेल है ठीक है, क्योंकि हमें पता ऑफिस जाना है, नींद आ रही है। अभी क्या है, मुझे पता मैं घर जाऊँगा तो मुझे क्या करना है, ऑफिस में जाना है, मुझे सो जाना है, इसलिए मेरे को अभी नींद का इतना पता नहीं चल रहा। तो जब ऑफिस जाना होता है तब होता है कि हाई सोना है, सोना है, रेस्ट कर लेंगे वो, कोई नहीं, ये तो लाइफ का पार्ट है, चलता रहता है ये सब चीज़ें तो, और ये हमारा ब्रेड बटर है। इसको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, ये जो आज हम बैठे हैं यहाँ पे कपड़े डाल रहे हैं सब ऑफिस की वजह से है, क्योंकि हमें काम करना है, पैसा है, पैसा है तो सब कुछ है, तो कुछ भी नहीं है। तो मैं यही बोला था कि जैसे कहते हैं ना, पैसा पैसा ही सब कुछ नहीं होता,
पैसा ही सब कुछ होता है, ठीक है, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, तो एक सीरियल आता था जी टीवी का, हॉरर शो था आई गेस, हाँ, तो वही कहते थे बिलीव करो या नहीं करो, तो पैसे ही सब कुछ है। अब जैसे अब किसी भी रिलीजन को आप देख लो, मतलब मैं किसी की पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहा, सभी रिलीजन में जैसे सत्संग वगैरह होता है वो आते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है ये वो। अब आप यहाँ पे बैठे हो, इतना सब कुछ अपने इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं, माइक वगैरह, वो पैसा ही तो है, पैसा है तो अब यहाँ पे हो ना, आज आप यहाँ पे लेक्चर दे रहे हो, तो मैं यही बोल रहा हूँ पैसा ही सब कुछ है, पैसा नहीं होगा तो आप यहाँ पे, आपको भी फंड मिल रहा, मतलब आ रहे हैं लोग, आपको कथा सुन रहा, अच्छा लग रहा है, लोग बातें आपकी सुन रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली आप यहाँ पे अर्न करने ही आए हो, ठीक है, तो सब कुछ वही है, बिजनेस, पैसा, ये दुनिया बिजनेस है एक, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना, नहीं ये नहीं वो नहीं, तो सब कुछ वही है, मनी, ऑल अबाउट मनी। चलो आज चलो, बहुत देर हो गई, ज़्यादा ही लेक्चर दे रहा हूँ, और अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह देखो कितना चेहरा एकदम साफ लगता है एकदम से, उसके बाद ऐसे उसके बाद ऐसा ढल जाता है चेहरा, चलो यार देर रही है, मैं चलता। अच्छा यहाँ पे ना मेरी बहन है, यहाँ पे इसको ना इधर छोले भटूरे उसको बहुत पसंद है, मैं दिखाता हूँ देश राज के छोले भटूरे, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे चल के, थोड़ा सा पूछते भैया से क्या बन रहा है भटूरे। चलिए यार बंद तो मेरा भी बहुत करता है, बट नहीं यार आज कल सर्दियों में ना इतना ऐसे वो हो जाता, वाटर इनटेक नहीं होता है ना, तो खाया जाता है, तो कोई बात नहीं खाया जाता है, तो बस कुछ नहीं, वाटर इंटेक नहीं होता, वही गर्मी आएंगी सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप खाओगे कम, वाटर ज़्यादा कंज्यूम करोगे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ छोले भटूरे, ये है देशराज के इंद्रपुरम में, तो आप आइए भैया, कितने रुपये प्लेट होती है? 60 रुपये प्लेट है, तो आप प्लीज़ इंद्रपुरम आइए, शक्तिखंड 3-1 बहुत अच्छा होता है। मैं एक्चुअली मेरी यहाँ बहन है ना, उसको बहुत अच्छे लगते हैं आपके यहाँ से छोले भटूरे, क्योंकि यहाँ पे आपके जो छोले भटूरे ना दिल्ली वाला टेस्ट आता है, मतलब यहाँ पे यूपी में इतने खा लिए मंगाटी का भी, ये वो नागपाल के भी खाए हैं, इधर उधर के भी खाए हैं, बट ये आपके वाले ना थोड़ा सा दिल्ली वाला टच आता है, तो प्लीज़ आप लोग आइए और यहाँ पे इंदिरापुरम में देशराज के छोले भटूरे ज़रूर खाइएगा। तो आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ मेकिंग कैसे बन रहे हैं, तो अब ये आप क्या छोले उबाल रहे हो, सही है, और एकदम से भैया साफ सफाई से काम कर रहे हैं, सुबह कितने बजे आते थे आप भैया? अच्छा वाह, नहीं आपके छोले, अब मेरा क्या है, मैंने कभी कभी खाता हूँ छोले, मैं मतलब पहले बहुत खाता था छोले भटूरे, अभी मैंने आपको अपने आपको थोड़ा सा पतला किया है, तो कभी कभी खा ले तो ज़्यादा मन होता, तो अच्छी बात है भैया, मेहनत करो, सुबह सुबह आ रहे हो इतनी ठंड में भी और सबको खाना खिला रहे हो, खाएंगे एक दिन जाने से पहले यहाँ पे, तो चलो ठीक है भैया को डिस्टर्ब नहीं करते हैं और बनाने देते हैं छोले भटूरे। यहाँ पे आइए इंद्रपुरम में शक्तिखंड में, आई वन है ये, तो इधर छोले भटूरे खाइए देशराज के। भैया सुबह 9 बजे शुरू होता है और ख़त्म कितने है? 4 बजे, वाह सही बात है, बहुत मैं सीरियसली मतलब नागपाल के भी खाए हैं, इधर उधर के भी खाए हैं, एक बंटी छोले भटूरे वाले भी था इंद्रपुरम में, वो भी अच्छे थे, और यहाँ पे एकदम घर के पास हैं इधर वो बहन दिखेगी तो वो खुश हो रही, उसको तो छोले भटूरे बहुत पसंद है, तो प्लीज़ आप आइएगा विजिट कीजिएगा और खाइएगा। अब आप लोग सोचेंगे बार बार वीडियो एंड करता है फिर स्टार्ट कर देता है, अब मुझे कुछ दिख जाता है तो मैं सोचता कुछ कैप्चर कर लूँ, कुछ नया दिखा दूँ मैं आपको। नहीं देखो मैं फाइनली घर की ओर ही जा रहा हूँ, अब ज़्यादा नहीं करूँगा, ये वीडियो तो काफ़ी लंबा होने वाला है, और आप कहोगे वैसे खाना नहीं है छोले भटूरे, ये नहीं करना वो नहीं करना, और बातें करनी है, बातें नहीं करनी, मतलब कि क्या आप खा नहीं सकते हैं, फील तो ले सकते हैं ना, तृप्ति आनंद। तो आनंद तो हम ले ही सकते हैं, इसको मतलब खा नहीं सकते हैं, तो मैं आ चुका हूँ अंदर घर पे, अब हो गए फिर क्या राउंड कर लिया, अभी बोलते बाय फिर आ गया। अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अब जैसे कहते हैं ना कि हमें मतलब सर्दियाँ हैं, फ्रिज की ज़रूरत नहीं है, देखो जो चीज़ जिसके लिए बनी है वो बनी ही है, अब फ्रिज नहीं है, मैंने पपाया लिया था,
मैं उसको एकदम से तो, अब मैं छोटा पापा है तो बहुत हार्डली मिलता है, एकदम से तो मैं उसको खा नहीं सकता हूँ सबको, तो मुझे रखना पड़ेगा। तो अभी मैंने परसों ही लिया था और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, उसके अंदर फंगस ही लगने लग गया। अब वो ठीक है, बीच में थोड़ा सा करके खा लूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो गया। ये देखो, अब ये मैंने परसों लिया था और ये इसमें लग गया फंगस, क्योंकि वही है फ्रिज, फ्रिज होता है जो चीज़ जिसके लिए बनी होती है वो उसके लिए ही बनी होती है। और ये मैंने यहाँ पे रखी है बेजल सीड्स, मैं वही सोच, मैं पहले ना सोचता था लोग ऐसे खा रहे थे तो पानी में डाल के, मैं कहता था ये पता नहीं क्या खा रहे हैं, ऐसे कीड़ा कीड़ा था, तो मुझे नहीं पता था मैं अभी एक दिन ये खाऊंगा। चलो मैं इन सबको बनाता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कर लिए अपने फ्रूट्स जीरा बादाम, तो इसकी मैं जो रेसिपी है मतलब ओवरनाइट सूप ओट्स वो मैंने शेयर करी हुई है, आप जाके ज़रूर देखिएगा क्योंकि अच्छी है, तो इसलिए मतलब मैं एकदम से आके लिए खाता हूँ मैं। तो चलो मैं इसको खा लेता हूँ, इन्जॉय कर लेता हूँ। तो चलो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं फाइनली इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, फिर एक नया पार्ट बना लूँगा अब जब मैं वहाँ पर जाऊँगा द्वारका। तो मिलते हैं आपसे द्वारका में एक नई सुबह का दूसरा पार्ट। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर। तो मैं समझाने